हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए मैथ में भिन्न का गुना और भिन्न का भागा। पहले हम भिन्न का गुना बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम भिन्न का गुना दो लिए हैं, एक है साधारण और एक है पूर्णांक वाला। फ्रेंड्स, मेरे साथ बनी रहे, पूरी वीडियो देखे और अंत में लाइक करे, कमेंट करे और पहली बार के लिए बेल बटन को ऑल करना न भूले। फ्रेंड, आइए हम शुरू करते हैं। ये भिन्न का गुना जो है, जैसे 8/15 गुने 6/10 गुना 7/3 गुना 5/21, इसको किस प्रकार पकड़े? फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचा जो है भाग की विधि करेंगे और ये कोना कोनी भी भाग की विधि करेंगे, ऊपर नीचा भी कोना कोनी। तो देखते हैं, यहाँ 8 यहाँ 15 निकलेगा तो 8 और 10 करता है किससे? तो 2 से करता है। तो 2 × 8 और 2 × 5 = 10। अब देखते हैं, ये 5 कट जाता है और यहाँ 7 × 7 और 7 × 3 कैसे करता है, और फिर 3 × 3 = 6 करता है। अब देखते हैं, यहाँ कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर गुना करेंगे, 4 × 8 = 8, 8/15 यहाँ 15 × 3 = 45। तो फ्रेंड्स, यह हमारा आंसर 8/45 आंसर होगा। अब चलते हैं पूर्णांक वाला में। पूर्णांक वाला में क्या करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक और हर को गुना करेंगे। 8 × 32 = 38, 38/8 गुना 7 × 3 = 21, 8 × 29 = 3, 29/3 गुना 12 × 7 = 84, 88/12 गुना, यहाँ पूर्णांक नहीं है, यहाँ सिंपल ही है तो फिर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचा या कोना कोनी हम काटेंगे, आड़ी तिरछी काटेंगे। यहाँ देखते हैं कौन कौन कटने वाला है, यहाँ 3 या 3 कट गया, और 4 × 4 = 8, 4 × 8 ये भी कट गया। अब देखते हैं कौन कटता है, 12, 8 और 38 को 2 × 8, 2 × 2 = 18, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 22, तो 2 × 4 = 11, 2 × 22। अब यहाँ 2 बचा है, अब लगता है नहीं कटने वाला है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। नीचे 12 × 2 = 24 होता है, 12 × 2 = 24 होता। अब 19, 29, 11 को गुना करेंगे, 19, 29, 11 क्या करें, यहाँ करते हैं 19 × 29 × 11 कैसे करेंगे, तो गुना करेंगे तो 11 × 99 = 95, 11 × 9 = 20, 209 हुआ। अब इसको 29 से हम गुना करेंगे, 9 × 81, 9 × 2 = 18, 2 × 18 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 16, 8 × 10 = 5, 6, यहाँ 6661/24। फ्रेंड्स, अब चलते हैं भिन्न की जन भाग। हमने 3 भिन्न का भाग लिए हैं। फ्रेंड्स, किस प्रकार बनेंगे, जैसे पहला है 15/30, यहाँ 36, यहाँ क्या करेंगे, भागा भागा गुना की चिन्ह में बदल जाएगा। तो जैसे जो भागा गुना में चेंज होगा तो ये अंश हो जाएगा हर, और हर अंश तो हर हो गया अंश, और अंश को हर की जगह पर हम लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचा कटिंग करेंगे, भाग देंगे या आड़ी तिरछी। तो अब देखते हैं, यहाँ ये कटेगा 3 से 3 × 6 = 15 करता है। अब 4 × 8 = 4 × 9 = 36 करता है। अब देखते हैं, यहाँ भी दो, ये दो दो कट गया, तो इस क्या बच गया, 5/9 आंसर हमारा हो गया, 5/9 ये हमारा आंसर हो गया। अब 2 नंबर फिर से करेंगे हल, 8/10 भाग की क्रिया को गुना की चिन्ह में बदल देंगे, भाग की चिन्ह को गुना की चिन्ह में चेंज कर देंगे, क्या होगा, अंश हर के जगह आ जाएगा और हर अंश के जगह। अब ऊपर नीचा या आधी तिरछी इसको हम भाग देंगे, तो 4 × 4 = 4, 2 × 8। अब देखते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, अब कटने वाला नहीं है, यहाँ 16/5 ये हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा में चलते हैं, तीसरा में 7/8 भाग ये भागा 5 × 3 = 15, 1 = 16/3, फिर भागा 2 × 10 = 12, 12/5, फिर इसको हम बाकी क्रिया चेंज करेंगे, भाग जो भाग का चिन्ह जो है यह गुना के चिन्ह में चेंज हो जाएगा, तो अंश जो हर की जगह पर लिख देंगे और हर को अंश की जगह पर। इसी प्रकार फिर हम अंश को हर की जगह पर और हर को अंश की जगह पर। अब देखते हैं, ऊपर नीचा और आधी तिरछी कटिंग करेंगे, तो 3 × 3 = 3, 3 × 12 यह कट गया। अब देखते हैं, 7 × 5 = 35, 5 × 3 हो गया 35। अब क्या करें, 8 × 16 × 4 बचा, अब क्या करें, 16 × 8 = 128 गुना
चार, चार अठे बत्तीस के दो हासिल तीन, चार दूना आठ तीन ग्यारह के एक हासिल एक, चार कम चार एक पाँच, तो पैंतीस बटे पाँच सौ बारह। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी थोड़ी सी जानकारी भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे और पहली बार प्लीज बेल बटन को ऑल करना ना भूलिए।